नाम साजन। दोबारा एक बार साजन नाम है साजन। ये बताओ यार, नहीं जो बताओ लड़कियां क्या साज रही हैं? नहीं भैया, क्या क्या बुलाते हैं? बनारस जाने वाले हैं, आप देखेंगे सामने दिखाई कितनी तेज बारिश हो रही है। ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो हमने कहा चलो ये यात्रा हमारी रोडवेज से होती है, बस से सफर करते हैं। चारों तरफ हरियाली है, भयंकर बारिश हो रही है। अभी हम लोग बनारस पहुंचे नहीं है, उम्मीद है पहुंचेंगे। आज जो प्रोजेक्ट हमारा है उस पर कुछ वर्क कर नहीं पाएंगे, तो आज जाते हैं थिएटर, उस थिएटर में जाके कोई मूवी एंजॉय करते हैं। तो आपको भी दिखाते हैं कौन सी मूवी है, क्या एक्सपीरियंस। हाँ उदय जी कुछ कहने वाले हैं। कमाल की ये बात है कि जैसे ही प्रयागराज आए, प्रयागराज से यहाँ का सफर लगभग 3 घंटे का, 3 घंटे से लगातार लगातार बारिश हो रही है। इतनी कमाल और हरियाली, बताइए कितनी कमाल की यार, चारों तरफ हरियाली। एक तो प्लेन एरिया है पूरा और बहुत अच्छी हरियाली है। मिली जो हमें बस पे, बहुत देर से चैनल के बारे में पूछ रहे थे, बाद में अंगाऊ बगल पे बैठे हमने कि भैया कहीं व्लॉग में शामिल कर लें। नाम और बता दो अपनो। नाम साजन। दोबारा एक बार साजन नाम है साजन। तो चलो यार, साजन फिल्म की याद आ गई यार आपको। साजन फिल्म की याद आ गई। और राघवेंद्र जी में बताओ, बड़ा अच्छा नाम है। काश मैं सोचता मेरा नाम होता, हर एक लड़की जो बताओ उसमें होगी वो साजन। अच्छा कोई भी होगा साजन तो बड़ा अच्छा लगता होगा साजन। मतलब हमें तो किसी, सही बात है, कोई लड़की अगर भाभी बहन ने साजन कहा, यहाँ तो हर कोई साजन। ये बताओ यार, नहीं जो बताओ लड़कियां क्या साज रही हैं? नहीं भैया, क्या क्या बुलाते हैं? नहीं फिर भी जब साजन नाम है तो कौन ना कौन लड़की तो साजन कहते ही हुए। हमारे गांव की जितनी भी लड़की है कोई भी हमारे नाम नहीं लेती। विद्यालय कौन से विद्यालय पढ़ रहे हैं यार गुरु? हम तो कोई विद्यालय नहीं पढ़े, घर पर रहते हैं। पढ़ाई नहीं करी? नहीं पढ़ाई की थी हमने। तो जब तक पढ़े हो वही समय पूछ रहे हैं हम। जूनियर हाई स्कूल में हम पढ़े हैं अपने वही गाँव ही में। गाँव वाले तो गाँव कौन लड़की तो कहा तो साजन, जब नाम बुलाने हैं। जो फ्रेंड थे हमारे वही नाम हमारे लेते थे, और अदरवाइज कोई लड़की तो नाम ले से हसद भी बहुत हो यार साजन। नाम चलो यार, तो मजा आ गो, हमारे साजन हमारे संगे हैं। और कब हूँ राघवेंद्र जी, अगर साजन उतर भय और लड़की ने कह दो साजन मेरे उस पार है तब तो चलो यार, ऊपर बरसात को कह रहे हमारी पत्रकारिता हम बगल में रख ही चुके हैं। मेले कोचेले दिखा धुए गाय से दूरा बहुत लगी। और सफर में हमारों का है कि हम बहुत सिंपल तरीके से जाते, बढ़िया लोअर पहन लो, टी शर्ट पहन लो और चले जाओ आराम से, एंजॉय करत भाई। ट्रेन को हमारा टिकट कन्फर्म नहीं हो पाओ, हमने कहा इसे बेहतर है जौन साधन उपलब्ध है वही पे सफर करो। अवधे जी और कछु कहने? यार हमने लोअर टी शर्ट पहन पाए तो थकावट बहुत हो गई। चलो कछु नहीं यार, जनता का हाथ है यार, भी बताओ क्या कर रहे थे तो कभी जिंदगी मस्ती भी करो चाहिए। और जो बताओ यार रविंद्र के बारे में। हाँ यार एक काम करो, आप पकड़ो कैमरा, रविंद्र के बारे में बहुत कमेंट आए यार। और रविंद्र की शकल देख लो, हमारे कैमरा मैन है, हमारे छोटे भाई हैं, उनकी भी शकल एक बार देख ले आप सब जने। और अवधे जी हाथ हटाने पड़े तो बीच में हाथ आए, जनता टोके यार कमेंट मार है। तो ये हमारे छोटे भाई हैं रविंद्र हैं, जो कैमरा के पछाऊ हमेशा रात हैं। आज इनकी शकल भी देख लो, इन्हें याद कर लो, हमारी भी चार आ गई है, इनकी भी चार आ गई है, हमारे संवाददाता अहदे जी जरूर बचे हैं। और गनीमत जाए कि उत्तर प्रदेश यूपी सरकार की जो बसें हैं बेजात चूहत मिलत लेकिन जावारी चू नहीं रही, तो सबसे बड़ी बात तो जा है। और कैमरा का जिन्हें पकड़ लो, अभी हमारे अहदे जी हैं तो अहदे जी के एक बाकिया बताने इलाहाबाद को, इलाहाबाद में भाव का अवधेश जी के टॉयलेट करन, वो अवधेश जी के लग गए 5 रुपया। तो अवधेश जी अभी तक परेशान है, हो सके तो बेचारे रोके रहे बनारस में भी, कहूँ पेशाब ना करें उतय करें जहाँ फ्री को बोर्ड लगो। अवधेश जी ऐसा ही अवधेश जी ने रील बना ली, अवधेश जी ने रील बना ली। तो चलो हम होने जा रहे बनारस, और बनारस की हर एक चीज आपके दिखाएं, और बाद में काहे हम बनारस जा रहे वो भी बताएं। और एक चीज और है यार, अगर हमारी वीडियो पसंद आओ तो चैनल के सब्सक्राइब कर लियो, क्योंकि जो केवल बुंदेलखंड भर में जाना है तो बुंदेलखंड वासियों से अपील है हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए कहें तो शेयर करें।